दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि सीडीज, डीवीडीज या ब्लूरे डिस्क काम कैसे करती हैं, इनके पीछे क्या प्रिंसिपल है और हम इनमें इतना सारा डेटा कैसे स्टोर कर पाते हैं। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ सीडीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को याद होगा पहले के ज़माने में हम यूज़ करते थे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, उसके बाद में कैसेट टेप्स आई और उसके बाद में फाइनली हमने यूज़ करना स्टार्ट किया सीडीज़। और सीडीज़ में भी हमने पहले गाने स्टोर किए, बाद में मूवीज स्टोर करी, उसके बाद में डीवीडीज आ गई और अब फाइनली हम ब्लूरे डिस्क के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारी मूवीज़ एक साथ एक ही उस करीब 12 सेंटीमीटर डायमीटर की डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिकॉर्ड्स की, जो पहले टाइम में हम ग्रामोफोन्स में यूज़ करते थे, तो वो होते हैं एक मैकेनिकल डिवाइस या बेसिकली मैकेनिकली जो है प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जो उसके ऊपर की टिप होती है वो मूव करती है ऊपर नीचे और उसके बाद में आप साउंड को सुन पाते हैं या जो भी डेटा आपने स्टोर किया है उसको सुन पाते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कैसेट टेप्स की, तो वो है मैग्नेटिक डिवाइस। ऐसे में जो उनका हेड है वो मैग्नेटिकली जो फिल्म के ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करता है और ऐसे में वो उसको रीड कर पाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ सीडीज की, तो ये है बेसिकली ऑप्टिकल डिवाइस। ऐसे में यहाँ पे कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है जो आपका डिवाइस है स्टोरेज का और जो रीडर है उसके बीच में। ये आप नॉर्मली लाइट बीम से ही उसके जो डेटा आपने स्टोर किया है उसको आप रिकवर कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे उस टाइम की, जिस टाइम पे सीडीज कंप्यूटर्स में नहीं लग पाती थी इतनी इजीली, या फिर हर एक घर में कंप्यूटर नहीं था या फिर हर एक इंसान सीडीज को राइट नहीं कर सकता था। तो ऐसे में मैं आपसे बात करूंगा उन सीडीज की जो आप मार्केट में सिर्फ परचेज कर सकते थे, जहां पे आपको मूवीज के जो गाने हैं वो देखने को मिलते थे। तो ऐसे में वो सीडीज कैसे बनती थी अगर मैं आपसे बात करता हूं उसके बारे में, तो देखिए किसी भी सीडी के अंदर आपको मिलती है मेनली तीन कंपोनेंट्स जो मिलकर सीडी को बनाते हैं। सबसे नीचे होता है एक प्लास्टिक का सबस्ट्रेट या फिर प्लास्टिक का बेस, जिसके एक तरफ पे तो आपको दिखा मिलता है वो एक लेबल जो चिपका होता है, और जो दूसरा एंड है वहां पे आपको एक लगी होती है एल्यूमिनियम की फिल्म जो शाइनी पार्ट होता है बेसिकली, और उसके ऊपर वापस से एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिससे वो डैमेज ना हो उस फिल्म पे किसी भी तरह का। अब ऐसे में देखिए होता क्या है कि वो जो प्लास्टिक का सबस्ट्रेट है, जो बेस है, वहां पे हम लेजर की मदद से एचिंग करते हैं, यानी कि उसके अंदर हम ग्रूव्स बनाते हैं, कहीं पे हम ग्रूव्स नहीं बनाते हैं। तो जहां पे हमने ग्रूव बनाया वो थोड़ा सा नीचे दब गया, जहां पे ग्रूव नहीं बनाया वो थोड़ा सा फ्लैट रह गया। तो ऐसे में हमने जो एनालॉग डेटा है हमारे पास में, क्योंकि सीडी एक डिजिटल फॉर्मेट में काम करती है, तो हमने बहुत ही ज्यादा हाई सैंपल रेट के थ्रू उस एनालॉग डेटा को पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया और इसको हम करते हैं नॉर्मली 44 किलोहर्ट्ज़ पे और इसको हम कहते हैं सीडी क्वालिटी म्यूजिक। ऐसे में जब आपने एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया, तो ऐसे में आपने एक लंबी स्ट्रिंग वाले नंबर्स की 0111100110 ऐसा कुछ करके, और उसके बाद में आपने लेजर एनग्रेविंग की मदद से उस प्लास्टिक के अंदर ग्रूव्स निकाल लिए, जहां जहां पे जीरो आया वहां वहां पे आपने एनग्रेव कर लिया और बाद में आप ऐसे करते रहे और स्पायरल फॉर्म में बेसिकली पूरी सीडी में स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने अपना डेटा जो है वहां पे उस एनग्रेविंग की फॉर्म में स्टोर कर दिया। उसके बाद में आपने लगाई उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की फिल्म और उसके ऊपर आपने प्लास्टिक की जो कोटिंग है, जो आपकी ऐसी लेयर है जो उसको करेगी, वो आपने लगा के कंप्लीट आपकी सीडी बन चुकी है। अब जो रीडर है वो कैसे काम करता है, वो एक लेजर बीम को ऊपर थ्रो करेगा सीडी की तरफ, जो सीडी है वो एक हेड के ऊपर घूम रही होती है बहुत ही तेज आरपीएम पे, और वो आरपीएम पे डिपेंड करती है कि आपका जो डेटा है वो कौन से पोर्शन में है। अगर वो सीडी के आउटर साइड में कहीं स्टोर है तो उसकी आरपीएम थोड़ी कम हो जाएगी, अगर वो बीच में है थोड़ा तेज हो जाएगी। और ऐसे में जो लेजर बीम है वो जब ऊपर से टकरा के वापस नीचे रिफ्लेक्ट होता है उस एल्यूमिनियम फिल्म के जरिए, तो वहां पे लगा होता है एक फोटो सेल, और फोटो सेल ये पता लगा लेता है कि क्योंकि जब आपको फ्लैट पोर्शन मिलता है जहां पे अपना वन था वहां पे तो रिफ्लेक्शन एकदम परफेक्ट होता है, और जहां पे वो ग्रूव था वहां पे उसको वो लाइट नहीं मिल पाती, तो में वो पता लगा लेता है कि कहां पे जीरो है कहां पे वन है, और उसके बाद में लगा होता है एक डैक और उसकी मदद से आप इन गानों को या जो भी डेटा स्टोर किया है उसको आप सुन पाते हैं। ये चीज बड़ी सिंपल है, और ऐसे में आपके पास में अगर एक बार मास्टर डिस्क बन गई तो आप बड़े आराम से उस एचिंग पैटर्न को रेप्लिकेट करके जितनी चाहे उतनी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में वो टाइम आया जब आम हाउस होल्ड के अंदर हमने सीडीज को यूज करना स्टार्ट कर दिया, और मैं ये सोचता था कि कैसे मैं मेरे घर बैठे उन सीडीज को खुद से भी लिख पाऊं, और ऐसे में हम यूज करते थे एक टर्म जिसको हम कहते थे सीडी को बर्न करना। तो देखिए बर्न करने वाली प्रोसेस में मैं मेरे घर में एक पूरी लेजर की मशीन तो नहीं लगाऊंगा कि मैं वहां से एनग्रेविंग कर लूंगा और खुद से खुद की सीडी बना लूं प्लास्टिक के अंदर ग्रूव्स काट के। तो ऐसे में क्या हुआ, हमने एक और मेथड यूज किया, और ऐसे में हमने क्या करना स्टार्ट किया, सबसे नीचे बनता है प्लास्टिक का सबस्ट्रेट जो कि आप जानते ही हैं, उसके ऊपर हम लगाते हैं एक डाई, और डाई के ऊपर हम लगाएंगे एक एल्यूमिनियम की फिल्म। अब वो जो डाई है उसको आप इंक या कुछ भी कह सकते हैं, उसको जब आप एक हाई पावर्ड लेजर से
स्ट्राइक करते हैं तो वो डाई वहां पे जल जाती है या फिर वो बर्न हो जाती है, और ऐसे में जहां जहां पे डाई बर्न है वहां वहां पे अगर नीचे से लेजर बीम जाएगा तो वो टकरा के वापस नहीं आ पाएगा, और जहां जहां पे डाई बर्न नहीं हुई है वहां पे वो डाई एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह काम करती है और बड़े आराम से टकरा के जो लाइट है वो एल्यूमिनियम की फिल्म से वापस आ जाती है। तो ऐसे में जो सीडी राइटर्स हमारे पास में थे, हम बड़े आराम से अपने घर में, मेरे को कुछ गाने राइट करने हैं सीडी में, कुछ भी डेटा राइट करना है, तो बड़े आराम से उस हाई पावर्ड लेजर से, वो सीडी राइटर से मैं जो चाहूँ सीडी के अंदर बर्न कर सकता हूँ और बाद में जहाँ चाहे वहाँ पे मैं उसको प्लेबैक भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे में फिर सीडीज मार्केट में वो भी है बाद में, जहाँ पे हमने सोचा कि काश ऐसा हो जाए कि हम इस सीडी के अंदर जितनी बार चाहें उतनी बार हम डेटा को बार बार रीराइट कर सकें, यानी कि हमने एक बार कुछ भी लिखा उसको मिटाया, बाद में दोबारा हम कुछ भी वहाँ पे लिख सकें। अब ऐसे में नहीं तो डाई काम में आ सकती है, नहीं वो लेजर के एनग्रेविंग काम आ सकती है। तो ऐसे में हमने यूज किया फ्रेंड्स मेटल अलॉय का। मेटल अलॉय में क्या होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, सबसे ऊपर होता है या सबसे मैं नीचे कहूंगा तो वो होता है प्लास्टिक का सब्सट्रेट, फिर लगी होती है एल्युमिनियम की फिल्म, और उसके ऊपर होता है मेटल का एक अलॉय, और उसके नीचे होता है आपका प्लास्टिक की एक कोटिंग जहां से आपकी सीडी पे कोई डैमेज ना पहुंचे। अब ऐसे में वो जो मेटल अलॉय है वो एक नॉर्मल अलॉय नहीं है, वो एक इस टाइप का मटेरियल होता है जहां पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, या एक ऐसा मटेरियल जो एक साथ मल्टीपल फॉर्म्स में अवेलेबल हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात करता हूं कार्बन की, तो ग्रेफाइट भी कार्बन है, ग्रेफीन भी कार्बन है, और डायमंड भी कार्बन है। तो ऐसे में ही हमें तलाश थी ऐसे मटेरियल की जहां पे हम जब चाहें उसको एमॉर्फस फॉर्म में क्रिएट कर सकें। एमॉर्फस का मतलब ये कि जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट बिल्कुल तितर-बितर हो जिससे वो एक तरीके से ओपेक बन जाए, और जब हम चाहें तो उसको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेके आ सकें जिसका मतलब ये कि वो ट्रांसपेरेंट बन जाए। और ऐसे में ही हम बार-बार जैसे ही वो पावर चेंज करते हैं लेजर की, तो वैसे ही वो जो मेटल अलॉय है वो रिएक्ट करता है, और जब चाहें तो हम उसको बना सकते हैं एमॉर्फस और जब चाहें तो हम उसको बना सकते हैं क्रिस्टलाइन। और इसी की वजह से बन पाई रीराइटेबल सीडीज जहां पे हम जितना चाहें जब चाहें बार बार डेटा को रीराइट कर सकते थे। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करता हूं डीवीडी की, जिसकी स्टोरेज जो है वो नॉर्मली एक 650 या 700 एमबी की सीडी से करीब 7 गुना ज्यादा होती है, या अगर मैं आपसे बात करता हूं एक ब्लूरे डिस्क की जहां पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एक डीवीडी से भी करीब करीब 6 गुना और ज्यादा होती है, यानी करीब 25 जीबी से भी ज्यादा होती है, तो वो कैसे बनी? अब बनने के पीछे प्रिंसिपल जो है काम करने का वो तो बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे जो रेजोल्यूशन है वो और बढ़ा दिया गया। जहां पे हम बात करते थे सीडी में एनग्रेविंग की या उस डाइज की या फिर उस लेजर के थ्रू उनको बर्न करने की या डेटा को रीड करने की, तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया और इतना बारीक वहां पे कर दिया गया कि आप डेटा को बिल्कुल पास पास करके स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सीडीज की, तो ऐसे में हम यूज करते हैं इंफ्रारेड लेजर जिसकी वेवलेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो ऐसे में जो आप डेटा रीड कर सकते हैं वो भी थोड़ा बड़े साइज में आएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं डीवीडी की, तो ऐसे में हम यूज करते हैं रेड लेजर, और रेड लेजर की वेवलेंथ कंपेयर टू इंफ्रारेड थोड़ी सी कम होती है, और ऐसे में हम डेटा को थोड़ा सा और पास स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे बात करता हूं ब्लू रे की, तो यहां पे हम यूज करते हैं ब्लू लेजर, और ब्लू लेजर की जो वेवलेंथ है वो रेड लेजर से भी काफी कम होती है, करीब 450 नैनोमीटर, और ऐसे में ही हम डेटा को बिल्कुल पास एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं और जैसा चाहे वहां से रिकवर भी कर सकते हैं। अब सीडीज हालांकि अभी आउटडेटेड बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी मार्केट में काफी कॉमन है, आप बड़े आराम से देख पाएंगे। हालांकि ऑनलाइन कंटेंट इतना है, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स वगैरह आ चुके हैं, फ्लैश स्टोरेज को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी सीडी मार्केट में बनी हुई है, अभी गायब नहीं हुई है, और शायद ही आपको नियर फ्यूचर में गायब होती हुई दिखाई दें, क्योंकि ब्लू रेज जो है वो तो बहुत ही कॉमन है और आप इनको आगे भी शायद यूज करते रहेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में जान गए होंगे कि सीडीज में डेटा कैसे स्टोर होता है, रीराइटेबल सीडीज क्या होती हैं, राइटेबल क्या होती हैं, जो ओरिजिनली क्रिएट होती थी वो कैसे होती थी, और आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या होगा सीडीज का वो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक या शेयर तो करिए ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।